एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में हम बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो उसमें हम जो शादी का भाव है, सप्तम भाव स्वामी और कारक जो रहते हैं शुक्र और गुरु, इनकी स्थिति को अवश्य देखते हैं, मंगल दोष को देखते हैं, ये सब तो देखते ही देखते हैं। साथ साथ में आपको अपने जब भी कुंडली मिलान की जा रही है तो सबसे प्रमुख चीज़ आपको क्या देखना है कि पहले तो ये देखें कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वो जो वर वधु कुंडली में चंद्रमा जिस राशि है तो उसमें राशि में मैत्री होना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो जरूर देखें कि वो चंद्रमा जिस राशि में है वो दोनों के कुंडली में मित्र राशि में होना चाहिए। तो ग्रह मैत्री को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, भले आपके गुण कम मिल रहे हों परंतु ग्रह मैत्री होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह लड़का हो या लड़की हो, दोनों के कुंडली में शुक्र का काम है। जो जातक और जातिका है उसको वैवाहिक सुख का देने का काम शुक्र का होता है। तो दोनों को देखें कि शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो एक दूसरे से 6-8-12 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो शुक्र की स्थिति देखें कि शुक्र एक दूसरे से, जैसे ये शुक्र यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, यहाँ से अगर छठा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 11 नंबर में शुक्र नहीं होना चाहिए जो स्त्री की कुंडली है। फिर यहाँ से 8वां ये आएगा तो ये 2 नंबर की राशि में शुक्र नहीं होना चाहिए और 12वां मतलब 5 नंबर की राशि में नहीं होना चाहिए। तो 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि शुक्र जो है वो राहु केतु शनि मंगल सूर्य इनके साथ भी नहीं होना चाहिए दोनों की कुंडली में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र के साथ में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। फिर शुक्र के जो एक घर पीछे और एक घर आगे, आगे पीछे भी कोई ये राहु केतु शनि मंगल राहु और जो बताया पापी ग्रह है राहु केतु शनि मंगल सूर्य, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी पाप कर्तरी में भी नहीं आना चाहिए, ये एक घर पीछे और एक घर आगे भी नहीं होना चाहिए पापी ग्रहों का। तो शुक्र क्योंकि वैवाहिक सुख देता है, आपके गुण मिलान बहुत भी कम भी हो और बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं और अपन तो शुक्र आपकी स्थिति है जैसा मैंने बताया वैसा वो पाप प्रभाव में है तो, और वो आपसे 6 8 12 में एक दूसरे से हैं तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एग्जाम्पल कुंडली में, ये लड़के कुंडली में शुक्र जो है उसके ना आगे और पीछे कोई पापी ग्रह नहीं है, लड़की कुंडली में भी शुक्र के आगे पीछे कोई पापी ग्रह नहीं है। और यहाँ से गिनने पे शुक्र से 6 7 8 तीसरे 8 नंबर में आने 3 11 का संबंध बना रहे हैं शुक्र एक दूसरे से, तो ये अच्छी स्थिति कहेंगे, वो 6 8 12 की स्थिति नहीं बना रहे हैं। फिर ये शुक्र के साथ जो पापी कुल ग्रह कोई नहीं बैठा है, यहाँ देखेंगे तो राहु केतु शनि मंगल सूर्य ये नहीं बैठे हैं, यहाँ पे भी शुक्र के साथ ऐसे कोई ग्रह राहु केतु शनि मंगल सूर्य नहीं बैठे हैं। तो इस तरह से शुक्र की स्थिति इसमें अच्छी स्थिति बता रहे हैं। तो ये हमारे कम गुण भी मिल रहे हों परंतु वैवाहिक सुख को जो प्रदान करेगा वो शुक्र करेगा। तो शुक्र की स्थिति को जरूर देखिए, एक तो चंद्रमा को देखिए वो ग्रह मैत्री अच्छी होना चाहिए और शुक्र को देखिए जैसी स्थिति हमने बताया, ये दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। फिर आप अपने कुंडली में बाकी चीज़ें जो गुण मिलान में देखी जाती है वो ज़रूर सब देखिए और उस गुण मिलान में अगर आपको कम मार्क मिल रहे हैं परंतु 17 18 से कम भी आ रहे हैं, ग्रह मैत्री है आपका और कोई दूसरा दोष हो भी परंतु शुक्र अच्छा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी कुंडली में ये लगा के देखना है कि जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो शुक्र जो वैवाहिक सुख देता है दोनों के लिए उसका होना अच्छा होना बहुत
जरूरी है। तो ये एक सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। मेरे और भी वीडियो उपलब्ध है, जो आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। उसमें हमने बाकी चीज़ों के भी परिहार दिए हुए हैं। बकुर दोष का परिहार दिया है, नाड़ी दोष का परिहार दिया है, मंगल दोष के परिहार दिए हैं। उन परिहारों को भी आप देख सकते हैं, वो दोष कुंडली में है परंतु परिहार हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर वहाँ पे देखना चाहिए। और उससे आपके हो सकते हैं कि गुण कम मिल रहे हो, तो वो जरूर परिहार के साथ साथ में शुक्र और चंद्रमा की, ग्रह नेत्री चंद्रमा की और शुक्र की जो स्थिति हमने बताई है वो पाप प्रभाव में ना हो। और इस तरह से अगर आपकी कुंडली विश्लेषण करते हैं तो आज के जो समय है, देश काल परिस्थिति, उसके अनुसार ये बहुत ज़रूरी है कि वैवाहिक जीवन अच्छा चले, भले गुण उसके कम मिल रहे हों, परंतु ये जो प्लेनेट चंद्रमा और शुक्र की स्थिति देखिए, बाकी परिहार देखिए, जिससे कि गुण मिलान कम भी हो रहे हैं तब भी आप शादी कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आप अपने कुंडली में इसको लगा के देखिए और इस बात को जरूर समझिए जो मैंने बताई है, उसको अपनी कुंडलियों में लगा के जरूर देखिए। आपने हमारी चैनल पे उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाना है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको देखने को मिलेंगे और लाभ उठा पाएंगे। और अगर ये चैनल अच्छी लग रही है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।